आओ आओ मिस्टर साइंटिस्ट, आजकल किस चीज की खोज कर रहे हो? आज मैं तुम्हें एक ऐसी घटना बताने जा रहा हूं जो किसी वैज्ञानिक की खोज नहीं बल्कि सृष्टि का एक अद्भुत चमत्कार है। हिंदू समाज के चार वेद जो किसी मानव द्वारा लिखित नहीं बल्कि साक्षात ब्रह्मा के मुख से निकली अमृतवाणी है। ये वेद हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और चौथा सबसे मुख्य वेद अथर्वेद। अथर्वेद एक ऐसा वेद है जिसमें संसारिक जीवन में होने वाले समस्त जादू टोने और चमत्कारों का विवरण है। उसी में लिखा है कि जब कोई नाग 100 वर्ष तक शिव भगवान की आराधना कर लेता है तब वो इच्छाधारी हो जाता है। मुझे ऐसे संकेत मिले हैं कि दक्षिण दिशा में किसी शिव मंदिर के पास कोई नाग अपनी तपस्या पूर्ण करने वाला है और वो इच्छाधारी बनने वाला है। दक्षिण दिशा में तो रतनलाल का फार्म हाउस है और वहां एक शिव मंदिर भी है। ये सब बेकार की अंधविश्वास की बातें। नहीं, ये अंधविश्वास नहीं है, ये सत्य है। और जो भी उस इच्छाधारी नाग को अपने वश में करेगा वो उसकी अद्भुत शक्तियों से तीनों लोगों का स्वामी बन सकता है। यही तो मेरा सबसे पुराना सपना है कि मैं पूरी दुनिया पर राज कर सकूं, और इसके लिए उस इच्छाधारी नाग को मेरा गुलाम बनना पड़ेगा। छोड़ दो सर। अरे साहब, ये तो बड़ा खतरनाक सांप है। खतरनाक नहीं, बहुत भोला है। पिछले कई सालों से यहाँ पे है, आज तक किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। अरे साहब, सांप तो आखिर सांप होता है, कभी भी किसी को डस सकता है। देखो, हमारे लिए ये शिवजी का रूप है। छोड़ दो सर। अरे साहब, आप समझने की कोशिश तो कीजिए। अरे छोड़ता क्या, पुलिस को बुलाऊं? दे दो। अनिष्ट, घोर अनिष्ट। महाकाल के हाथों से नहीं बच सकेगा, नहीं। तुम्हारा भेजा हुआ बाबा तो उस नाक को पकड़ने में नाकाम रहा। लगता है तुम्हारे बीन का आइडिया फेल हो गया। मैंने तो पहले ही कहा था वो आदमी जो करे। वो मूर्ख एक मामूली सा काम नहीं कर सका। वो कोई मामूली नाग नहीं बल्कि एक तपस्वी जीव है जिस पर महादेव की छत्र छाया है, और जो कोई भी उसकी तपस्या भंग करने का प्रयास करेगा महादेव की तीसरी आंख उसे जलाकर भस्म कर देगी। मेरी शक्ति को ललकारने वाले इच्छाधारी नाग, तू जहां कहीं भी है सुन ले, तुझे मेरा गुलाम बनना ही पड़ेगा।
तू बहरा तो है ही, मेरी सिद्धियों के बल पे मैं तुझे अंधा भी बना दूंगा, बिल्कुल अंधा। कोई उसे रास्ता क्रॉस करा दे, भगवान के लिए कोई उसे रास्ता क्रॉस करा दे। ए, एक काले कपड़े वाली, जरा मुझे रास्ता क्रॉस करा दे। तुम सच में अंधे हो? अंधे की जिंदगी बड़ी अजीब होती है, एक बार आंखों पर काला चश्मा चढ़ जाता है तो उसे सब कुछ काला ही नजर आता है। अब देखो ना, जैसे कि तुम्हारे काले बाल, ये काला चश्मा, ये काली शर्ट, ये काली घड़ी और ये काले जूते। तुम अंधे हो तो तुम्हें मेरी काली शर्ट और जूते कैसे नजर आए? अब क्या है ना, अंधे की दुनिया में हर चीज काली काली होती है। अब देखो ना, क्या मुझे तुम्हारे होंठों की लाली नजर आई? नहीं। लाल बिंदिया नजर आई? नहीं। तुम्हें ऐसा रास्ता क्रॉस कराएंगे कि अंधे के साथ लूले लंगड़े भी हो जाओगे। काला चश्मा पहन कर लड़कियों को बेवकूफ बनाते हो। गीता, जूली, पिंकी, बॉबी, आओ जरा इस अंधे को रास्ता क्रॉस करा दे। अरे, रास्ता क्रॉस कराने के लिए इतने सारे जनों को बुलाने की क्या जरूरत है? अगर आपको रास्ता नहीं क्रॉस कराना तो आप जाइए यहाँ से, मैं अपने आप ही रास्ता क्रॉस कर लूंगा। ऐसा रास्ता क्रॉस कराएंगे कि जिंदगी भर के लिए रास्ता ही भूल जाओगे। काला चश्मा पहनकर लड़कियों को बेवकूफ बनाते हो। देखिए, ये काला चश्मा कोई मामूली चश्मा नहीं है, बहुत ही स्पेशल चश्मा है। ड्रामा ड्रामा ड्रामा, आज फिर से लेट आने का ड्रामा। कविता, अब तुम ही बताओ, नींद पे किसी का जोर चलता है जो मेरा चलता? अब जोर तो तुम्हारे दिल पर पड़ने वाला है। क्यों, क्या हुआ? हे, तुम चुप क्यों? कुछ नहीं। तुम्हें मेरी कसम, बताओ क्या हुआ? मेरी शादी हो रही है। तुम्हारी शादी हो रही है? हाँ। अरे कांग्रेचुलेशन, तुम्हारी शादी हो रही है। I'm so happy, I'm getting married। तुम जलकर कह रहे हो ना? अरे मैं पागल हूँ? अरे मैं तो खुश होकर कह रहा हूँ। मेरी शादी हो रही है और तुम्हें दुख नहीं हो रहा है? किस बात का दुख? हाँ, हर लड़की की शादी होती है, तुम्हारी भी शादी हो रही है। मगर हर लड़की तुमसे प्यार नहीं करती। तुम्हारे मिलने से पहले अनीता, सुनीता, अंजू, मंजू, कितनी लड़कियां मुझसे प्यार करती थी, मगर तुम मेरी जिंदगी में आई तो मैं सबको भूल गया। और अगर मेरी बात कोई और मिल गई तो मैं तुम्हें भूल जाऊंगा। क्या, मुझे भी भूल जाओगे? जब पिछले सबको भूल गया तो तुम्हें भूल जाने में कौन सी बड़ी बात है? देखिए मैडम, इस आशिक का दिल एक कबूतर खाना है, यहाँ तुम जैसी कबूतरियां कहीं आती जाती रहती। अगर मैं तुम सबको याद रखने लगा तो दिल का साइज तो बड़ा करना पड़ेगा ना, जो नामुमकिन है। You flirt?
दुनिया जवाब है, जरा पढ़ लेना तुम पहली कतार में, जरा पढ़ लेना तुम ये पहली कतार में। ओह, यू मीन हेडलाइंस। के घायल हुआ एक लड़का एक लड़की के प्यार में, अरे घायल हुआ एक लड़का एक लड़की के प्यार में। मैं आज तक मंदिर और तीर्थ खरीद कर ही अपनी ताकत और दौलत का शिवालय बनाता आया हूं। मेरा नाम मुरुगन है, मुरुगन। मैं अपनी मां के पेट से ही गुनहगार पैदा हुआ हूं। बचपन में मेरे साथी मुझे गुनाहों का देवता कहा करते थे। तेरे जन्म पे तो शैतान भी ये सोच के खुश हुआ होगा कि वो भी बाप बन गया है। क्या बोलता बादशाह? बिल्कुल ठीक बोलता है, मैं किसी को नहीं छोड़ता। मैंने अपने सगे भाई की दोनों टांगे तोड़ दी थी। एक साल तक अस्पताल में रहा और बाद में मार मार कर उसे अंधा कर दिया। आज तक नंदी गली में भीख मांगता फिरता है। इतने खरी बात ये, एक बार गिर गिरता भी ने रंग गिरने में आ सकता है बापू पंचेरा ने। बिल्कुल ठीक कहा छेदूला। रहती दुनिया तक सिर्फ दो ही चीजें रहेंगी, एक जमीन और दूसरे कमीन। यानी कि मैं। दूसरों की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर लेना मेरी किस्मत ही नहीं, मेरी आदत भी नहीं, बल्कि मेरी फितरत है। मुझे रतनलाल की जमीन चाहिए। Me, Johnny the bastard, son of a thousand fathers, यानी का हजार बाप का बेटा। हमारे गॉडफादर हिटलर का उसूर था
जो चीज मांगने से नहीं मिलता उसे छीन लेना चाहिए। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। रतनलाल खुद ब खुद अपनी जमीन हमारे नाम लिख देगा। लेकिन रतनलाल अपनी जमीन हम कमीनों के नाम कैसे करेगा? इसका आइडिया वकील बिहारी लाल दे सकता है। हाँ, वकील बिहारी लाल। भंडारी, तुम ये शर्मा जैसे आदमी को कैसे बर्दाश्त करते हो? हर काम उल्टा करता है। अब कौन सी मेहरबानी की है उस बेशर्मा ने, मतलब शर्मा ने? वो हमारा फार्म हाउस वाला बंगला बिकवाना चाहता है। उसकी ये हिम्मत, जिस चीज को मैं बेच नहीं सका उसे वो बिकवाना चाहता है। आप फिक्र मत कीजिए मेरे पूज्य जीजा जी, मैं शर्मा का बंदोबस्त कर देता हूँ। हाँ, अगर तुमने उसका बंदोबस्त नहीं किया ना तो मैं तुम्हारा बंदोबस्त कर दूंगा, समझे? अच्छा जीजा जी, मैं तो आपके कंपनी का बंदोबस्त करने वाला हूँ। मैं तो तंग आ गया हूँ शर्मा और भंडारी से। और थोड़ी देर माँ, माँ देख, तू हमेशा कहती थी ना तेरे लिए एक अच्छी सी बहू लेके आऊं। गौर से देख इसकी तरफ, देख जरा, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, हेमा से मीना कुमारी तक, अंबाला से खंडाला तक, वैजंतीमाला से मधुबाला तक, बहुत सारी लड़के देखी लेकिन कोई समझ में नहीं आया। ये तेरे लिए अच्छा सा नगीना लेके आऊं, है कि नहीं नगीना? नगीना नगीना नहीं है, हीरा है। हीरा इस हीरे को अंदर जो जौहरी बैठे हुए है ना, उनको जाके दिखा दो। यानी कि डैड? हाँ, क्योंकि तुझे तेरी शादी की बात खुद करनी होगी। तो कर लेता हूँ, इसमें क्या है, कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने बड़े बड़े डैडी देखे। साहब ये रही स्टॉक की फाइल। अरे जा। नहीं मैं नहीं जाऊंगा। नहीं नहीं मम्मी मार देंगे मुझे, मैं नहीं जाऊंगा। मम्मी 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 मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मैं नहीं जाऊंगा उधर। कुछ नहीं, मैं पैर पड़ता हूँ आपके। मैं क्या कर रहा है? जा। अरे सुबह तुम अच्छे वाले थे, क्या हुआ तुम्हें? हाँ अरे कुछ नहीं डैडी, वो कुछ कहना है क्या? नहीं वो बात ये थी कि अरे बोला प्लीज। जा तू बोल, मैं जा। नहीं नहीं कुछ नहीं कहेंगे, जा। नहीं डैडी जान तो सही। वो कहो ना क्या बात है। अरे ये क्या बेवकूफ की है, कौन है ये लड़की? साहब ये दोनों शादी करना चाहते हैं। ओ तो तुम इसे शादी करना चाहती हो? क्या नाम है तुम्हारा? जी कविता, कविता जसवाल। मैं तुमसे नहीं इससे पूछ रहा हूँ। जी मेरा नाम कविता है। कब से जानती हो इसे? जी सॉरी 2 साल से। और मैं इसे 20 साल से जानता हूँ। ये लाखों में हैंडसम, हजारों में स्मार्ट, सैकड़ों में जाबाज, एक करोड़पति बाप का बेटा है। लेकिन इसमें 2 कमियां हैं, एक ही कुछ जानता नहीं और दूसरा किसी की मानता नहीं। तू बोला डैडी, ये आप क्या बोल रहे हैं? सच्चाई, ताकि उम्र भर रोने के बजाय ये आज ही रो ले। देखो बेटी, तुम इस नालायक के चक्कर में मत पड़ो, अपने बाप से कहकर कहीं और शादी करा लो। देखो डैडी, हम एक दूसरे को बहुत चाहते। शट अप। क्या इतना सब कुछ जानने के बाद भी तुम इसे शादी करना चाहती? जी हाँ। लेकिन एक बात ध्यान से सुन लो, मैं इसे बिजनेस मैनेजमेंट के लिए अमेरिका भेज रहा हूं। क्या तुम 1 साल इंतजार कर सकोगी इसका? जी। अरे मेरा जूता है जापानी, मेरी पटलून हिंदुस्तानी, सर पे लाल लाल ने ब्राउन है। अंकल आपके पास माचिस है क्या? माचिस होता तो जिंदा जला डालता। आप शमशान के चंडाल हो क्या? भैंस के अंडे बताता हूँ कौन हूँ मैं। कहाँ जाओगे? चल मेरे साथ। कहाँ जाओगे? चल। क्या जलवा है ये लड़की है, क्या हलवा है ये लड़के की, बिजली का करंट है ये मारा बाप पन्या जो, ये नाक है कि नक्शा है, ये कमर है कि बक्सा है, शटअप है कि शट डाउन है, ये मारा बाप जो भी है जैसा भी है ना उधर है, उधर है, उधर है, उधर उधर। चल यहाँ तो खतरा ही खतरा है। खतरा तो खतरे को होता है भंडार, तुम तो समंदर हो। आप मेरा नाम भी जानते हैं, आप जासूसी दुनिया के एजेंट तो नहीं है?
नो मैन, एक छोटा सा आदमी तुम्हारा हेल्प से करोड़पति बनना चाहता है। हाँ, जो भंडारी भाई जो तुम्हें हमें करोड़पति बनाएगा ने, तो हम तुम्हारे को सोने का ईंडा देने वाली मुर्गी बनाएगा, बनेगा ने? हाँ? मैं कुछ समझा नहीं। भंडारी, अगर हम रतनलाल को ये समझा दें, हाँ, कि उसका साला ही उसके आंगन में तुलसी की जगह मक्कारी के बीज बो रहा है तो इन लोगों को तो मेरा सब झुलझाला मालूम है। आप लोग क्या चाहते हैं? रतनलाल का फार्म हाउस। आप भी वही चाहते हैं? ये तो बड़ा झुलझाला है, ये नामुमकिन है। hey, नामुमकिन को मुमकिन बनाना ही पड़ेगा बिड़ो, अगर तू सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बनना चाहता है तो। क्या मैं मुर्गी बनूंगा? लेकिन मेरे पीछे कोई मुर्गा तो नहीं लगेगा ना? पैक 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 पैक। काम की बात करो। लेकिन इस सौदेबाजी में मेरा क्या फायदा? जिसमें 10% कमीशन तुम्हें दिया जाएगा। मंजूर मंजूर, लेकिन आप लोगों को कुछ दिन के लिए इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि वो जो जमीन है वो मेरे भांजे रवि के नाम पे है और इस वक्त वो अमेरिका में है। अबे मोटे हाथ निकाल। पन बेड़ो, वो कब आएगा? जैसे उनके आने की खबर मिलेगी मैं आपको खबर कर दूंगा। हेलो। हेलो। हाँ सीमा। हेलो, कौन भैया, कैसे? तुम सुन रही हो ना? हाँ मैं सुन रही हूँ। क्या चिल्ला चिल्ला कर मेरे कान फोड़ोगे? लेकिन ये लाइन क्लियर क्यों नहीं है? ओफो भैया, लाइन एकदम क्लियर है, आप बोलिए तो। अच्छा बात सुनो, अरे मैंने दो बार कविता को फोन किया था, वो घर पे थी नहीं। कहाँ गई है पता कुछ तुम्हें? अरे भैया, आजकल वो सांपों पर रिसर्च कर रही है, गई होगी कहीं सांपों की नस्ल जानने सपेरू की किसी बस्ती में। क्या सपेरू की बस्ती में? Thank you.
हेलो माँ, कैसी हो? डैडी कैसे हैं? सीमा कहाँ गई है? अरे कुछ तो बोलो माँ। अरे तेरा बोलना बंद होगा, कभी तो बोलो। लो, बंद कर दिया मुँह, बोलो। हम सब अच्छे हैं। बस, अरे आगे भी तो बोलो। आगे क्या बोलूं? तू सुना, कैसा है तू? अरे माँ, तेरा बेटा बहुत मजे में है माँ, बहुत ऐश कर रहा है यहाँ, लेकिन आप लोगों की बहुत याद आती है। अच्छा, हमारी याद? और कविता की नहीं? कविता? कौन कविता? ओ हाँ, कविता, हाँ हाँ हाँ, उसकी याद कैसे आएगी माँ, यहाँ तो इतनी खूबसूरत खूबसूरत लड़कियाँ हैं, सब तुम्हारे बहू बनने के चक्कर में है, और उनमें से माँ एक मुझे लड़की बहुत अच्छी लगी है, कहो तो उसे बहू बना कर ले आऊं। ले आ, मैं कविता की शादी कहीं और करवा देती हूँ। अरे नहीं माँ, ऐसा जुल्म मत करना। अरे मैं तो मजाक कर रहा था माँ, मैं बहुत जल्दी इंडिया आ रहा हूँ। आई लव यू, आई लव यू माँ, आई लव यू, आई लव यू। नमस्कार, माफ कीजिए, मैंने आप लोगों को पहचाना नहीं। सेठ, इंसान पहली मुलाकात में अनजान, दूसरी में मेहमान, और तीसरी में दिल की जान, मतलब दोस्त बन जाता है क्या? ये शंभू है अपुन बाबू रोकड़े, हर काम रोकड़ा ही करता है क्या? कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मुर्गन को आपका फार्म हाउस बड़ा पसंद आया है। मुर्गन? हाँ सेठ, अपुन का पार्टनर, वही जमीन पर 5-स्टार होटल बनाने का वास्ते इसे किसी भी कीमत पर खरीदना चाहता है। देखिए, ये मेरे पुरखों की जमीन है और मैं इसे तीरथ समझता हूँ, इस जमीन को मैं किसी भी कीमत पर नहीं बेचूंगा। और मुर्गन अपनी पसंदीदा जमीन को किसी भी कीमत पर हासिल कर लेता है, चाहे खरीद कर या कब्जा करके। वो बहुत हरामी है, बहुत हरामी। अरे काय को उसके चक्कर में पड़ता सेठ, उसको जमीन बेच दो, इसी में तुम्हारी भलाई है, क्या बोलता बादशाह? मैं आप लोगों को पहली मुलाकात में अनजान नहीं, मेहमान समझता हूँ। आज नागपंचमी का दिन है, ना मैं अशुभ बातें करना चाहता हूँ और ना ही सुनना चाहता हूँ। आप लोग जाइए यहाँ से। सोच लो सेठ, ये मुर्गन का अपमान है, और मुर्गन अपने अपमान करने वालों की जिंदगी में कोहराम मचा देता है। दौलत को भगवान समझने वाले उस मुर्गन से कह दो कि तीर्थ और मंदिर खरीदे नहीं जाते, पूजे जाते हैं। हेलो, हेलो कविता, ओ कविता। हाँ मैं, आप समझी, तुम इतनी रात तक बिजी क्यों रहते हो? लड़कियों से फोन पर मीठी मीठी बातें करके उनसे मजे लेते हो, फ्लर्ट कहीं के? कविता मेरी बात तो सुनो तुम। क्या बात सुनो तुम्हारी? हफ्ते में एक दिन मिलने की परमिशन मिली है और उसे भी तुम गवाना चाहते हो। अरे इस हफ्ते हफ्ते से तो मैं तंग आ गया हूँ। तुम्हारे लिए यही ठीक है। कविता मेरी बात तो सुनो। नहीं, अगले हफ्ते। बाय। कब? कविता, यूं हफ्ते हफ्ते मिलना, यूं बेकरार होना, यूं इंतजार करते करते चैन दिल का खोना, ये आना जाना मिलना मिल करके जुदा हो जाना, जानम तंग आ गया मैं तो, तंग आ गया ये, तंग आ गया मैं तो, तंग आ गया। जानो जानम तुमसे कितना प्यार है, हर पल तेरी यादों की बरसात होती है। तुम क्या जानो जानम तुमसे कितना प्यार है, हर पल तेरी यादों की बरसात होती है।
तुम जैसा नमक हराम हमारे साथ इतनी नमक हलाली करेगा इसका हमें यकीन नहीं था। भंडारी के नमक हलाली का यकीन आपको उस दिन होगा जिस दिन ये मामा भंडारी रतनलाल एंड कंपनी के फार्म हाउस को तुम्हारे स्कॉच में बर्फ बर्फ बना कर डालेगा क्या? अरे अरे अरे, अरे तू तो सच में एकदम सोने का इंडा देने वाली मलगी है रे। गोली बना के डालती है, इस वास्ते तो मोटा भाई ने तेरे को अपने रत्नों में शामिल किए ने। अरे भंडारी के भंडार में इतनी गोलियां है, घुलते जाओ पीते जाओ और 10% पार्टनरशिप का ताज मुझे पहनाते जाओ क्या? पहना डालो ने मोटा भाई। हम तुम्हें 10% पार्टनरशिप का ताज जरूर पहनाएंगे, कल ही पहनाएंगे। बस उन बाप बेटों से उनके फार्म हाउस का सिंहासन अपने नाम करवा लेने के बाद। मैं देखता हूँ जरा। हाँ देखो जरा। मुरुगन नाम है मेरा। रहती दुनिया तक सिर्फ दो चीजें रहेंगी, एक जमीन दूसरे कमीन। यानी कि मैं क्यों बापू पहचाना? तो तुम हो? हाँ, सौदेबाजी में ग्राहक और दुकानदार की जान पहचान हो तो सौदा प्यार से पड़ जाता है। क्या बोलता बादशाह? मेरे जीते जी तुम्हारी अरमान कभी पूरे नहीं होंगे। तुम मर जाओ। मुझे खून खराबे में बहुत मजा आता है। देखो देखो ए, बचपन में मुझे कटी हुई पतंग लूटने का बहुत शौक था और अगर पतंग किसी दूसरे के हाथ में चली जाती तो मैं उसे फाड़ देता था। चंबो, इस पर साइन करो। क्या ये? तुम्हारे फार्म हाउस का इकरारनामा जिसे तुमने हमें बेच दिया है। शट अप। ए बिड़ू, अगर तू इस इकरारनामे पर साइन नहीं मारेगा ना तो अपनी इस छोकरी के कुवारनामे मतलब कि इसके कुवारेपन पर अपनी बदनीयती का ठप्पा मार मार के
इसको हमेशा के वास्ते अपन का पंचाली बना लेगा। खबरदार अगर तूने इसकी तरफ आंख उठाकर देखा तो। अरे बापू, हमारे को इसकी तरफ आंख उठाकर नहीं देखने का है, हमारे को तो खाली इसके बदन से कपड़ा हटाकर देखने का है, क्योंकि इधर कौन सा किशन का नहीं या मुरली बजाने को आएगा। अरे किधर भागती है तू? ये रुके, नहीं करूंगा। नहीं 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 करूंगा। नहीं नहीं, अगर अपनी बहन की इज्जत और बाप की जिंदगी प्यारी है तो चुपचाप इस पर साइन कर। नहीं करूंगा। सिर्फ दो ही चीजें रहेंगी, नंबर एक जमीन और नंबर दो कमीन, यानी कि मैं। और जहां कमीन हो वहां शरीफों का क्या काम है? फेंक दो साले को खाई में। बस जरा सी जान बाकी रह गई है। गलत साला। Thank you.
डॉक्टर अनिल, इसकी बॉडी इतनी डैमेज हो चुकी है कि इसे तो जगह पर ही खत्म हो जाना चाहिए था। ये अभी तक अपनी विल पावर की वजह से जिंदा है सर। आई डोंट नो अनिल। इस वक्त तीन लाशें जल रही होंगी। हाँ, बाप की, बेटी की और बेटी की। एकदम गलत बादशाह, एकदम गलत। वो बाप और बेटी तो मर गया है, पर वो छोकरा बच गया है साला। और अभी उसको होश आने को है, और अगर उसने पुलिस को कुछ बोल दिया ना तो अपन सब पारा के भाव चढ़ जाएंगे, समझा? क्या बोलता बादशाह? ए बाबू, मैं डरता नहीं, मैं किसी से नहीं डरता, और पुलिस से तो डरता ही नहीं। बोलो रवि, क्या तुम अपने पिता और बहन के कातिल को पहचानते हो? छपन छुरी जरूर पीऊंगा मैं थोड़ी सी, नशा उतर ला। क्या क्या बात है, क्या मुसीबत आई है क्या? आज हमारा एक पार्टनर मारा गया। तो फिर यहाँ मेरे पास क्यों आयो? जाओ उसकी अर्थी में जाके रो, ताकि दुनिया वालों को पता चल जाए कि उसकी मौत में तुम्हारा हाथ नहीं है। लेकिन हम में से तो कोई रोना जानता ही नहीं। नहीं तो फिर भाड़े से रोने वाले मंगवाओ। भाड़े पे रोने वाले? हाँ, पड़ोस की बस्ती में भाड़े के रोने वालों की मंडली है। भाड़े पे रोने वालों की मंडली। नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम, गुड मॉर्निंग, वणक्कम। बोलो भाई, कहाँ जाके रोना है? यहीं पास में। शादी में या मैयत में? मैयत में। अच्छा, पैसा कितना दोगे बाबा? तुम कितना लो? देखिए, हम लोग हराम के पैसे नहीं लेते हैं, मेहनत के पैसे लेते हैं। लोग पसीना बहाते हैं, हम लोग आंसू बहाकर कमाते हैं मेरे भाई। तुम अपने आंसू की क्या कीमत लोगे? लोगे नहीं, दोगे, अभी दो। क्या है कि पिछली बार कुछ लोगों ने कंधे दे के निकल लिए, धंधे खराब कर दिए। क्या मुर्दे से पैसा वसूल करेंगे भाई? रोकड़ा दो, रोकड़ा दो। बताओ कितना लोगे? क्या है कि हम लोग रोने के हिसाब से पैसे लेते हैं, जैसे कोई पंजाबी मर गया हो। पुत्र मैंने छोड़ के जा रहा। क्या है कि इसमें मैंने ज्यादा लगता है, जैसे बंगाली कोथाई तुम्हें कोथाई कोथाई तो कम लगता है, जैसे गुजराती मरो वाने तू छोड़ने क्या जाए, मारा बापो वाने आत्मा शांति आपो रे बापो वाने। ये गुजराती का डिफरेंट अलग है, ऐसे अलग अलग किस्म के रेट्स होते हैं, जैसे मद्रासी पांडे वाले गढ़वाले की मिट्टी की पोरिया इडली बड़ा उत्तपम इडली गुड़ के बा मराठी। अरे वाला जीवा वाला बाबा, ये वाला सुन के ले रे बाबा। ये बात तो बाबा मला सोडले तू का गेला? अरे एक जीव सर शिव का बरे राम राम गंगा राम 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 देवा। अरे गंगा राम रे रे बा रे बा देव 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 देव। अरे देवा रे देवा रे देवा रे बाबा देवा रे। ये बाबा हाथ तोड़ दे पाया कोड़ा दे कसके लो दे बोड़ा। अरे कोड़ा रे बाबा आत्मला जज के Ah!
कौन है? पंती है अप्रेंटिस। ये रोतड़ू एंड रोतड़ू कंपनी लगता है मैयत पे सूख मनाने नहीं बल्कि हमारा मजाक उड़ाने आए हैं। अगर ये ऐसा नहीं करेंगे तो लोगों को हमसे हमदर्दी कैसे होगी? ए मैन, ये इस कंपनी का स्टाइल है, आड़े पे रोने वाला ऐसा रोना मांगता। राइट? बिल्कुल राइट। बाबा ओ मेरा सोना, मेरा सोना, अरे तेरे फिक्र में कैसे जी रहे देवा। चारों की जिंदगी कुत्तों से कम नहीं थी, खत्म भी हो गई तो अफसोस किस बात? वो पालतू कुत्ते थे। नहीं मैं, शादी नहीं करूंगा। क्यों नहीं करेगा शादी? क्या तू यही चाहता है कि मैं इतने बड़े घर में अकेली रहूं और दुखों की आग में खत्म हो जाऊं? ऐसा मत बोल। देख रवि, अगर तू शादी नहीं करेगा तो तेरे पिताजी की आत्मा। बस माँ बस, तू जो बोलेगी वो मैं करूंगा। बांध दीजिए ना। यही करने के लिए तो हम आए हैं। दूध पीकर सुहागराज बनाएंगे। ना रहेगा सुहाग, ना रहेगी रात। दूध पीने के बाद दोनों ऊपर और सारी दौलत मेरे नाम हो जाएगी। I
मामा, रवि बाबू ने सुहागरात दुल्हन के साथ मनाने के बजाय रात कहीं और बिताई, ये बात मेरे समझ में नहीं आई। अबे धरती धकेल, यही सोच सोच कर मेरे खोपड़ी के पिंजरे से तोते उड़ गए। मामा, कल रात कविता के दूध में जो जहर मिलाया था वो कविता के गले में उतरने के बजाय कारपेट के गले में उतर गई। मामा भंडारी, हमारे बंगले में बाल ब्रह्मचारी। अबे एमटीवी की औलाद, वो ब्रह्मचारी नहीं है, योगी है। योगी कल रात जो साफ घुसा था ना, उसे निकालने के लिए आए होंगे। ओम 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 ओम। अवश्य इस घर में किसी दाग का साया है, तो आप ही कुछ उपाय कीजिए ना। अवश्य करेंगे। कविता बेटी, वो बिन बाबा को दे दो। अगर वो नाक घर से बाहर नहीं निकला तो घर के सारे लोग भाग जाएंगे। दे दो बेटी, दे दो। हमारी बहू पर नाग का साया है, तुम उसे और अपने पुत्र को लेकर हमारे मठ पे आ जाना। रहती दुनिया तक सिर्फ दो ही चीजें रहेंगी, एक जमीन, दूसरी कमीन, यानी कि मैं। सारे फसाद की जड़ रवि है। शर्मा, तुम फिक्र मत करो, आज रात ही सोनिया रवि को होटल ब्लू डायमंड में बुलाएगी,
झूठे बिजनेस के बहाने और हमेशा हमेशा के लिए उसे मौत की नींद सुला देगी। अरे
बापू ये क्या हो गया? रवि तो सांप बनी गयो। अरे रवि तू सांप बनी गयो। नहीं 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 रवि देख अरे रवि नशे ना सांप बनी गयो। अरे हमारा बाप। हेलो कौन? तुम्हारी भला ये जानने में है तुम्हारा पार्टनर बाबू और चंबू का कातिल कौन है? कौन है? तुम्हारा ही पार्टनर छेदुलाल। ये नहीं हो सकता। तुमने रवि की जान लेने के लिए सोनिया नाम की जिस लड़की को भेजा था छेदुलाल ने उसे जहरीली नाक से डसवाकर खत्म कर डाला और अब वो तुम्हारे पास अपनी जेब में एक जहरीला नाक लेकर आ रहा है। अगर तुमने उसकी बात मान ली तो तुम्हारा हाल भी वही होगा जो बाबू और शंभू का हुआ है। क्या मतलब? हेलो हेलो मोटा भाई, अरे मोटा भाई, शंभू ने बाबू के कातिल का मालूम पड़ गया मोटा भाई, ने वही कातिल ने सोनिया को भी खलास कर डाला बारा बाप। नाक से डसवा कर? नहीं नहीं, उसने अपने आप सोनिया को डस कर। अच्छा? अरे अरे खुद अपने आप में नाक है ने? इच्छाधारी नाक। हाँ इच्छा। अरे मोटा भाई तुम्हारे को कैसा मालूम पड़ा? मुझे तो ये भी मालूम है कि तेरी उस जेब में क्या है। अरे मोटा भाई इस जेब में तो क्या, मेरे तो दोनों जेब का बीच में भी कुछ नहीं है। बाहर निकाल उसे। ये मोटा भाई क्या, तुम भी देखो क्या कुछ है क्या मेरा जेब का अंदर, ये क्या है कुछ है? मेरी तुम अभी तुम क्या हुआ मामा, देखकर चौंक क्यों गए? नहीं तो मैं तो ही तो ऐसा कुछ। मामा तुम इनकार तो कर रहे हो लेकिन तुम्हारी जुबान तुम्हारा साथ नहीं दे रही। दिल में अगर चोर हो तो ऐसे ही होता है। चोर? तुम किसकी बात कर रहे हो भांजे? तुम्हारी। मेरी? मैंने क्या किया भांजे? ये तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुमने क्या किया है। भांजे तुझे कुछ गलत फहमी हो गई है भांजे, ये घर तो मेरे लिए मंदिर है, मंदिर, और इस मंदिर का मैं तो भगत हूँ भांजे। तुम ठीक कह रहे हो मामा, लेकिन कौन सा भगत कौन सी तमन्ना लेके आता है ये तो सिर्फ भगवान ही जानता है। अफसोस तो इस बात का है यहाँ जो देवी रहती है उसे तुम्हारे दिल का भेद नहीं पता, शायद उसी की वजह से तुम जिंदा हो, वरना मामा। खैर अब भी कहता हूँ मामा, उतार फेंको ये कंस और शकुनी का चोला, वरना ये चोला एक दिन तुम्हारा कफन बन जाएगा। मामा तुम समझ रहे हो ना मैं तुम्हें क्या कह रहा हूं? मामा। कविता बेटी, तू किसी भी तरह प्यार से बैला फुसला कर रवि को बाबा के पास ले जा, फिर बाबा उसे अपनी शक्ति से ही अपने पास बुला लेंगे। तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम्हें अपने साथ ले जाने आई हूँ। कहाँ? जहाँ बिल्कुल सन्नाटा हो।
जहां हमारे सिवा कोई ना हो, जहां मैं तुमसे बातें कर सकूं। क्यों, घर बैठ के बात नहीं हो सकती? घर में तुम्हारी नफरत के सिवा मुझे मिला ही क्या है? अच्छा चलो, घर चलो। नहीं, उस घर में मेरा दम घुटने लगा है। चलो, जहां मेरे और तुम्हारे सिवा और कोई ना हो। कविता, कविता, कविता। ये खुली हवा, ये धुली चांदनी, क्या ये भी मेरी तरह तुम्हें अच्छे नहीं लगते? पहले तुम ये बताओ मुझे यहाँ लाई क्यों हो? अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल हल करने के लिए। कौन सा सवाल? क्या तुम जानते हो, कोई तुम्हारी तलाश में जन्म जन्म से भटक रहा है। क्या तुम्हें पता है दुनिया के अंधेरे सागर में कितनी बार तुम उसके हाथों में आते आते रह गए? ये तुम क्या कह रही हो? और अब तुम्हें पाने के लिए वो युगों से सुलगते हुए अरमान एक लड़की बन गई है, और वो लड़की मैं हूं। साथ रहकर भी तुम जिससे बहुत दूर रहते हो। क्या करूं, जब भी मैं तुम्हारी तरफ कदम बढ़ाता हूं मेरे कदम अपने आप रुक जाते हैं। जब भी मैं तुम्हारी खूबसूरती को छूना चाहता हूं मेरे हाथ अपने आप थम जाते हैं। जब भी मैं तुम्हारी तरफ आंख उठाकर देखता हूं तो ऐसा लगता है जैसे जैसे तुम्हारे और मेरे बीच में कोई पर्दा हो। वो पर्दा मेरी बदनसीबी के सिवा और क्या हो सकता है? कविता, मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मेरी तपती हुई रूह को अपने हाथों में बांध लो और मुझे करीब से देखो। आज हर तमाम पर्दों को चीर कर मेरी बाहें थाम लो रवि।
मुझे देखकर चौंक क्यों गए? चौंका नहीं, तुम्हारी अकल पर हैरान हूं। अगर मुझे यहां बुलाना ही था तो कविता का सहारा लेने क्या जरूरत थी? मुझे मालूम था कि मेरे बुलाने पर तुम यहां कभी नहीं आते। तुम जैसे तपस्वी को छल कब से शोभा देने लगा? जब से तुम जैसे इच्छाधारी नाग समाज के भोले भाले इंसानों को छलते आ रहे हैं, भगवान समान माँ की ममता के साथ खिलवाड़ करते आ रहे हैं। कौन किसके साथ क्या खिलवाड़ कर रहा है ये सब भूल जा। पहले ये बताओ मुझे यहाँ क्यों बुलाया? ये तुम अच्छी तरह जानते हो। तुम अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो सकते। शायद तुम्हें मेरी विद्या और शक्ति का अंदाजा नहीं है। शायद तुम्हें मेरी शक्ति और धैर्य का अंदाजा नहीं। मेरे पास सिद्धि है। मेरे पास 100 साल की तपस्या का फल है। मेरे पास तीनों लोक को जीतने का यश और मंत्र है। मेरे पास शंकर भगवान का तेज है। मैं उसी तेज से तुझे भस्म कर दूंगा। मैं एक इच्छाधारी नाग हूं ये तो तुमने जान लिया, लेकिन मेरी आत्मा को रवि का जिस्म लेने की क्या जरूरत पड़ी ये नहीं जानते तुम। यही तो मैं जानना चाहता हूँ। ये राज जानने का अधिकार तो मैंने अपनी आत्मा को भी नहीं दिया। मेरी आत्मा भगवान को साक्षी बांधकर तुम्हें एक वचन देती है, मेरे सीने से मेरा दिल तो निकल सकता है मगर तुम्हारा राज नहीं। नागपंचमी के दिन सेठ रतनलाल अपने बेटे रवि और बेटी सीमा के साथ शैतानों ने एक जमीन के छोटे से टुकड़े के लिए उन तीनों की जानें ले ली। अब तुम उन पांचों को मार देना चाहते हो? हाँ, उनमें से एक को तो मैं खत्म कर चुका हूं। लेकिन उसके साथ साथ तुमने अपनी आधी शक्ति भी खत्म कर ली है, क्योंकि तुमने ठीक पूर्णमासी की रात को उस राक्षस को डसा है। अब तुम्हारा विष एक बार में केवल एक ही मनुष्य पर असर करेगा, दूसरे को डसने के लिए तुम्हें 24 घंटे प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। मैं उन दरिंदों को खत्म करने के लिए 24 घंटे तो क्या बाबा 24 जन्म भी प्रतीक्षा कर सकता हूँ? मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। संकट में तुम्हारी रक्षा के लिए मैं स्वयं तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। धन्यवाद बाबा।
इस देश की धरती पर शासन करने का सपना देखना बिल्कुल बेकार है, क्योंकि इस देश की पावन भूमि के कण कण में ब्रह्मा विष्णु महेश बसे हुए हैं, और हर युग में विष्णु का अवतार आता है, और इस महान देश की पवित्र भूमि की रावण और महिषासुर जैसे राक्षसों से रक्षा करता है। तुम इस कलयुग के महिषासुर बनने का प्रयास मत करो, वरना तुम्हारा परिणाम भी वैसा ही होगा। मैं कोई हिरण्यकश्यप नहीं हूं, और ना ही कोई प्रह्लाद इस युग में आने वाला है। मैं तो बस एक योगी हूं, जिसके पास ऐसी सिद्धियां हैं जिससे भगवान भी वश में हो जाए। और रही उस इच्छाधारी नाग की बात, तो उसे तो कल मेरा एक मामूली सा शिष्य ही अपने वश में कर लेगा। ये काम सिर्फ नागेश ही कर सकता है, क्योंकि उसकी बीन में वो ताकत है जिससे बड़े से बड़ा नाग भी उसके वश में आ जाता है। एक मामूली बीन से? I think he's a joker. बीन से? हाँ, मामूली बीन से। अच्छा, तो वो इच्छाधारी नाग मेरे शत्रु बाबा परशुराम की छत्र छाया में मनुष्य का रूप धारण करके बैठा है। पहले तो कई बार वो मेरे हाथों से बच गया, किंतु अब मैं अपूर्ण शक्ति और निपुण भक्ति को बेकार नहीं जाने दूंगा। परशुराम, अगर तू या तेरी बीन मेरे रास्ते की रुकावट बनी, तो मैं अपनी शक्ति से तुझे भस्म कर दूंगा, भस्म कर दूंगा। जय नागेश्वर। वहीं रुक जा महाकाल। अब मेरे चरण तेरी तपस्या भंग करने के बाद ही रुकेंगे परशुराम। भगवान का नाम शैतान की जबान पर? नहीं, मैं शैतान नहीं, शैतानों का भगवान हूँ। अगर तू शैतानों का भगवान है, तो मैं तुझ जैसे भगवान का अभिमान तोड़ने वाला शिव का वरदान हूँ। यदि आज साक्षात शिव भी मेरे सामने आ जाए, तो वो भी बेजान हो जाएगा परशुराम। समय वो तलवार है महाकाल, जिसने बड़े बड़े घमंडियों का सर उनके तन से जुदा कर दिया। हाँ, क्योंकि वो केवल घमंडी होंगे, घमंडी, मेरी तरह विद्वान नहीं। जिस वक्त विद्वान में घमंड आ जाता है, उसी वक्त से उसका सर्वनाश शुरू हो जाता है। समझे, तूने रवि के रास्ते का शूल बनकर खुद ही अपने सर्वनाश का जाल बुन लिया है। परशुराम, महाकाल ने अपने सर्वनाश का नहीं, उस इच्छाधारी नाग के साथ तेरे सर्वनाश का भी जाल बुन लिया है। मैं अपनी भीन की ताकत से उस इच्छाधारी नाग को अभी यहाँ बुलाता हूँ। देखता हूँ तेरी भीन में ज्यादा शक्ति है या मेरी भीन में। Thank you.
महाकाल खुद वो जहर है कि यदि मौत को डस ले तो वो भी यमलोक पहुंच जाए। उस इच्छाधारी नाग का जहर मुझ पर कोई असर नहीं कर सकता, कोई असर नहीं कर सकता। उस मूर्ख ने मुझे डसकर मेरा जीवन और बढ़ा दिया, और बढ़ा दिया। जय नागेश्वर, जय नागेश्वर। तेरा मंदिर इंसाफ का घर कहलाता है, मगर आज मेरा विश्वास टूट गया। मैं समझती थी कि तू अंतर्यामी है, इंसान के अच्छे बुरे कर्मों को समझता है, साधु और संतों में फर्क समझता है, पाप और पुण्य दोनों में फर्क समझता है। मगर आज पता चला कि तुझे वही लोग अच्छे लगते हैं जो अच्छे भले इंसानों का दिल तेरे कदमों में दिया बनाकर जलाते हैं। अगर ये झूठ है तो तुझे मेरे अरमानों की चिता जलती नजर नहीं आती? क्यों तड़पा रहा है मुझे? भगवान, तुझसे मेरी एक ही प्रार्थना है, तू औरत को दिल दे, दिमाग दे, भूख दे, प्यास दे, मगर वो मनहूस जज्बात मत दे। अगर दे भी दे तो उसे पूरा करने का इंतजाम भी कर दे, वरना तुझे औरत को बनाने का कोई अधिकार नहीं, कोई भी अधिकार नहीं। कहाँ जा रही हो? ये घर छोड़कर जा रही हूँ। मगर क्यों? तुम अच्छी तरह जानते हो मैंने किया क्या है। विश्वासघात। विश्वासघात? हाँ, तुमने मेरे साथ अग्नि के साथ फेरे लिए, मगर उनका साथ नहीं निभाया। कविता, अगर तुम किसी लड़की से मोहब्बत करते हो तो साफ साफ बताओ। ऐसी बात नहीं है कविता। ऐसी ही बात है। मेरा किसी भी लड़की के साथ कोई चक्कर नहीं है, यूं समझो किसी उलझन में फंसा हुआ मैं। कैसी उलझन? अगर आज मैंने तुम्हें अपनी उलझन बता दी तो आज के बाद तुम अपने पति को जिंदा नहीं देखोगी। ये सब तुम्हारे बहाने हैं। एक लड़की ठीक है, तुम्हें अपनी खुशी से ज्यादा घर की बर्बादी प्यारी है ना, तो सुनो, देखो अपने पति की तरफ, अपने पति के मौत का तमाशा देखो, देखो कि अगर ये सब सच है रवि तो मैं नहीं सुनना चाहती तुम्हारी मजबूरी। मुझे तुम पर यकीन है, भरोसा है, अब मैं तुमसे कभी कोई सवाल नहीं करूंगी। कविता, मुझे थोड़ा सा वक्त और दो, बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा, भरोसा रखो मुझ पे। लगता है कोई गहरा राज है।
है फूलों पर शबनम बिखरी है। तुम्हारी बारी है। ओ, बेबी 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 अरे एक दो घूंट में क्या खाक जरूर आएगा, पूरा मखाना पिएंगे तब चेहरे पर नूर आएगा। नाग तुम्हारे प्राणों के पीछे पड़ा हुआ है। जी हाँ महाकाल। घबराओ मत, अब उसकी मृत्यु उसके पीछे पड़ेगी। हाँ महाकाल, हम भी ऐसे ही कुछ चाहते हैं। जी, उसका उपाय भी हमने कर लिया है। अमावस की रात को वो हमारे वश में होगा और तुम्हारा जीवन हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा। मुक्त महाकाल, अगर अमावस की रात से पहले ही उसने हमें डस लिया तो उसका उपाय भी मैंने कर लिया है मूर्ख। वो क्या महाकाल? जब तक मैं उसे वश में नहीं कर लेता तुम्हें शिव का व्रत रखना होगा।
और अगर व्रत के समय उसने तुम्हें डस लिया तो वो अपने जीवन से मुक्त मौत के अंधेरे में लुप्त हो जाएगा। जाओ और अमावस की रात को स्वयं अपनी आंखों से उसकी दुर्दशा देख लेना। जाओ। जी माता। जो क्या कल्याण हो, कल्याण हो। कौन है सर? कौन है ये? मैं कहता हूँ कौन है ये? कौन है ये? हंसने का इतने शौक है सामने आके हंस? बुद्धि लोग ने अंधेरे में चुप के क्यों हंस रहा है? रवि? हाँ। उस दिन रवि की आत्मा ने उसका शरीर छोड़ दिया, लेकिन सेठ रतनलाल के एहसानों का कर्ज चुकाने के लिए मेरी आत्मा उसके शरीर में चले गई। मैं एक इच्छाधारी नाग हूं, जिसके जहर से बचने के लिए तुमने शिवजी का व्रत रखा है। बारी बारी से तुम्हारे सारे दोस्तों को मैंने मार दिया, अब तुम्हारी बारी है। रहती दुनिया तक केवल दो ही चीजें रहेंगी, एक जमीन, दूसरी कमील, यानी कि मैं। हेलो, मैं अकल का भंडार यानी कि भंडारी बोल रहा हूँ। भंडारी, अब तेरी अकल का भंडार अहंकार बनने वाला है। अबे, मैं क्या तुम्हें कबाड़ी नजर आता हूँ? एक नंबर की अनाड़ी। अनाड़ी नहीं, तेरा बाप मुर्गन बोल रहा है। मुर्गन? हाँ तो मुर्गा बोल रहा है ऐसा? मुर्गन, मुर्गन साहब आपने कैसे याद किया? तेरे लिए एक बहुत बुरी खबर है, तेरा भांजा रवि एक इंसान नहीं, नाग है। नाग? अब रवि नाग मतलब वो? तेरी बात सुन, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, रवि की इच्छाधारी नाग है। यकीन नहीं आता तो आजमा के देख ले, वरना अखबार में न्यूज़ ही छपेगी कि नाग के डसने से भंडार। नहीं नहीं, मैं देखता हूँ, देखता हूँ मैं। अबरे, मेरा भांजा नाग है, पता लगाना पड़ेगा। भंडारी शुरू हो जा। रवि साहब है, ये बात अगर सच है तो तेरे खुशबू के ढोर में बनकर तेरे पास ऐसे दौड़ा चलाएगा जैसे एक दीवाना दूसरे दीवाने के पास। जा जा, जाके उसे खत्म कर। पहली बार देखा इसी नेवले को सांप नहीं मारा। मुर्गन सही कह रहा था, रवि कोई इंसान नहीं है बल्कि इच्छाधारी नाग है।
क्या क्या देख रहा हूँ? आज तुम्हारी आंखों ने कोई सपना नहीं, वो सच देखा है जो जहर से ज्यादा कड़वा, आईने से ज्यादा साफ, सूरज से ज्यादा गर्म और चांद से ज्यादा बेदाग है। तुम्हारा असली रूप यह है कि वो जो मैंने देखा था? आज तुमने हकीकत के रूप में कयामत का वो जलवा देखा है जिसमें तुम्हारे जीजा रतनलाल की मौत का रंग छुपा है। तुमने कयामत का वो जलवा देखा है जिसमें तुम्हारे भांजे की जिंदगी किसी कमजोर लहर की तरह दम तोड़कर मिट चुकी है। तुमने कयामत का वो जलवा देखा है मामा, जिसमें तुम्हारी मासूम भांजी सीमा की इज्जत का मोती टूटकर अपनी चमक खो बैठा। आज तुमने इस कयामत का रंग देखा है मामा भंडारी, जिन रंगों से मिलकर तुम्हारी बहन के सुहाग का रंग बेरंग हो गया। ये तो मामा कंस और मामा शकुनी भी ना कर सके जो तुमने कर दिखाया। मेरा असली रूप वो था नहीं, ये मेरा असली रूप है रतनलाल के किए हुए एहसानों का कर्ज चुकाना। मैं एक इच्छाधारी नाग हूं, मगर तुम जैसे एहसान फरामोश, खुदगर्ज और गैरतमंद इंसानों से कई ज्यादा वफादार और एहसान परस्त इंसान। और तुम इंसान होकर इस नश्वर शरीर के लिए अपनों का हक छीन रहे हो, जिसका अंजाम सिर्फ मिट्टी के कीड़े मकोड़ों का निवाला है। सोचो अब तुम्हारी बहन की वंश की बेल कैसी फूटेगी, किसके नाम से उसका खानदान चलेगा। उसके अंधेरे घर को रोशन करने के लिए एक ही चिराग था जिसे तुमने अपने मामूली लालच के लिए मिटा डाला, उसके कुल को खत्म कर डाला तुमने। क्या यही इंसानियत है? क्या यही भाई बहन का रिश्ता है? क्या इसी के लिए तुमने इस धरती पर जन्म लिया था? बस बस भांजे, बस भगवान के लिए बस कर। कुम्हार मिट्टी के बर्तन तोड़कर फिर उसी मिट्टी से बर्तन बना लेता है, मगर कोई पछतावे के आंसू बहाकर बिगड़े हुए मुकद्दर की मिटी हुई लकीरें नहीं बना सकता। भांजे, आज तक तो मेरी आत्मा पाप की रोटी और बेईमानी का पानी पीकर बेशर्मी की छांव में हराम की नींद सो रही थी, लेकिन लेकिन तूने उसे जगाया। नाग तो इंसानी जात का दुश्मन और जानवर कहलाता है, लेकिन तूने एक इंसान का रूप लेकर ये सबक सिखाया कि जानवर भी देवता हो सकता है। पंजे पंजे, सिर्फ एक बात बता दे, क्या मेरे इस गुनाहों का कोई प्रायश्चित हो सकता है? हाँ, हो सकता है। मैं मुर्गन के चार साथियों को उनके कर्मों की सजा दे चुका हूँ, और अब मुर्गन को मौत के भोग लगाना बाकी है, मगर उसने शिव का व्रत ले रखा है। जानता हूँ, सब कुछ जानता हूँ, और वो जब तक शिव का व्रत रखेगा तब तक तू उसे मार नहीं सकता। हाँ मामा, तू फिक्र मत कर भांजे, अगर एक जानवर देवता हो सकता है तो यह आदमी इंसान नहीं हो सकता। अब देखना भांजे, मेरे खून का एक एक कतरा अपने पापों का प्रायश्चित करेगा। अब देखना, बहुत जल्द उस रवि को पकड़कर हम उसे मौत के मुंह में धकेल देंगे। जय नागेश। भगवान, तेरा मन दर्पण कहलाता है। भगवान, तू इंसान के अच्छे बुरे कर्मों को जानता है, फिर तू ये कैसे नहीं जान सका कि एक राक्षस तेरे नाम का व्रत रखकर घिनौना पाप करना शुरू करती है? कहां गई वो तेरी तीसरी आंख जो पापियों का सर्वनाश करने के लिए खुलती है? कहां गया तेरा वो त्रिशूल जो जालिमों का जुल्म खत्म करने के लिए है? समुद्र मंथन से निकला हुआ जहर पीकर तेरा तो सिर्फ कंठ नीला हुआ है, उन जालिमों का जुल्म सह सह कर मेरा तो पूरा शरीर नीला हो गया है। मैंने हमेशा तेरी पूजा की, तेरी तपस्या की, शोकर तूने कभी मुझे अपने गले का हार बनाया, कभी अपने जटाओं में सजाया, कभी अपने बाजू में बांध दिया, यहां तक कि तेरा नाम ले लेकर लोग मुझे पूछने लगे। और अगर तूने मुझे अपना नाम दिया है तो अपना रंग भी दे, अपना रूप दे, अपना त्वेज दे, अपनी शक्ति दे, ताकि मैं तेरा वरदान पाकर उस राक्षस का सर्वनाश कर सकूं। अगर तू ये दे सकता है तो दे, वरना मैं ये चौखट छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा। बोल, क्या तू वो शक्ति दे सकता है? बोल, क्या तू वो शक्ति दे सकता है? तू क्या बोलेगा? अरे तू क्या बोलेगा? इन पथरीली दीवारों में रह रहकर तू खुद भी एक पत्थर हो गया है। दया नाम की कोई चीज नहीं है तेरे पास, और जिसके पास दया नाम की कोई चीज नहीं होती वो भगवान नहीं होता। आज के बाद मेरा ये सर तेरी चौखट के सामने कभी नहीं झुकेगा। जा रहा हूं मैं हमेशा हमेशा के लिए,
जा रहा हूं। और हाँ, मेरा नाम उन नास्तिकों के अंदर लिख लेना जिनकी नजर में तेरा कोई वजूद नहीं, तेरा कोई मुकाम नहीं। मैं जा रहा हूं, लिख लेना तू। बोले शंकर, अब वो इच्छाधारी नाग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमने शिव का व्रत रखा हुआ है, इस व्रत के रहते अगर उसने हमें डसने की कोशिश की तो खुद मृत्यु लोक को पहुंच जाएगा। आखिर कब तक हम यूं ही भूखे प्यासे बैठे रहेंगे? मैं नहीं मानता ढकोसलों को और उस जोकर की बातों को। इस व्रत से तो अच्छा है हम आत्महत्या कर ले। जॉनी, जॉनी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मुर्गन साहब, आखिर कब तक हम यहाँ भूखे प्यासे बैठे रहेंगे। आ गया लो, भंडारी भी आ गया। मामा भंडारी आ गया, मैं पकड़ लाया रवि का सांप। मुबारक हो मुर्गन साहब। क्या बकवास कर रहे हो भंडारी, अरे तुम्हारे हाथ में क्या है? मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, आप सही कह रहे थे। रहती दुनिया तक दो ही चीज रहेगी, एक जमीन और दूसरे कमीन, जैसे कि आप। आप देखना हमारे रास्ते का आखिरी काटा भी यानी कि रवि साफ हो जाएगा। हम कमीनों का वो कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वाह भंडारी वाह वाह, मान गए तुम्हारे दिमाग को, तुम्हारी शक्ल से तुम्हारी अकल का पता नहीं चलता। अब संभालो इस इच्छाधारी नाग को। इच्छाधारी नाग। इच्छाधारी नाग, इसकी इच्छा तो अब हम पूरी करेंगे। इसे अपने भूखे देवलों का निवाला बनाकर इसकी इच्छा पूरी करेंगे। इसके बाद इसकी कोई इच्छा बाकी नहीं रहेगी। छोड़ दो देवले, छोड़ दे। हमें मारने वाला इच्छाधारी नाग छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया, बट गया। जॉनी, इसे उठाकर बाहर फेंक दो। जय भोलेनाथ, हम भोले। अब हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस दूध को पीकर अब हम अपना व्रत तोड़ेंगे। कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता हमारा, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता हमारा। आओ शंभोले, देव शंभु, देव शंभु। Shambhu!
तुम तो मर चुके थे। नहीं, thank you.
भगवान, तेरे संसार के इंसान अब इंसान नहीं रहे, शैतान बन गए हैं। बनकर इंसानों का पैदा करना, अगर इंसान पैदा करना ही है तो रवि जैसे इच्छाधारी नाग का जहर भस्म करके उसे हमेशा हमेशा के लिए इंसान बना दे। मैंने जीवन भर तेरी तपस्या की, मगर मैंने अपने लिए तुझसे कभी कुछ नहीं मांगा। लेकिन भगवान, रवि को नाग से इंसान बना दे, इंसान बना दे, इंसान बना दे भगवान। सवाल है बेचैनी बेकरार।